नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ब्रिटेन में आज बात होगी हाथरस मामले पर घिरती बीजेपी सरकार की, आयोगों में नियुक्ति पर फेल होती मोदी सरकार की, जानेंगे कि पीएम पर क्यों बरसी सोनिया गांधी और कैसे माले को अपने पाले में करने में कामयाब हुआ महागठबंधन। साथ ही बात होगी बंगाल चुनाव पर बीजेपी की तैयारी की और ब्रिटेन के आखिर में बात बिहार में नए दलों की एंट्री की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एनडीए में नहीं सुलझ रहा सीट शेयरिंग का मसला, एनडीए से अलग होने की राह पर एलजेपी। पार्टी ने नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को दी अतिरिक्त कर्ज जुटाने की इजाजत, मिलेंगे 7106 करोड़ रुपए। 7106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, कमाई से ज्यादा खर्च कर रही सरकार, इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है राजकोषीय घाटा। खास टेक्नोलॉजी से लैस होगा भारतीय रेल, यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा पर काम कर रहा है रेलवे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। और आईपीएल सीजन 13 में कल खेले जाएंगे दो मुकाबले। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच और दूसरा मुकाबला 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। सुर्खियों के बाद नजर आज की खबर पर। आज गांधी जयंती है, आज शांति के दूत महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भारत का हर राजनीतिक दल खुद को गांधीवादी बताता है, उनके विचारों पर चलने का दावा करता है, लेकिन हाथरस में हमें सरकार का दूसरा रूप ही दिखाई दे रहा है। विपक्ष के शांतिपूर्ण मार्च को ताकत के बल पर तो रोका जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। राजीव जी, विपक्ष के नेताओं को सरकार रोक रही है, उसे डर है कि विपक्ष इसका फायदा उठाकर सरकार को बदनाम कर सकता है, लेकिन परिवार के लोगों को भी एक दूसरे से ना मिलने देना, गांव को छावनी बना देना, पत्रकारों को गांव से दूर रखना और यहां तक कि पीड़ित परिवार की वकील को भी रोक देना, ये सब हो क्या रहा है? सरकार को किस बात का डर है, वो क्या छिपाना चाहती है? जी आदित्य, हाथरस में इस वक्त जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस ने बनाकर रखा है वो वाकई आश्चर्यजनक है और उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक। आपका सवाल एकदम सही है आदित्य कि आखिर सरकार को डर किस बात का है, वो क्या छिपाना चाहती है? किसी गांव की ऐसी नाकेबंदी या किसी परिवार को विपक्ष के साथ साथ मीडिया, यहां तक कि उसके वकील से भी मिलने न देना, इस तरह की सख्ती क्यों बरती जा रही है, ये समझ से परे है। अक्सर जब इस तरह के कड़े कदम सरकार उठाती है आदित्य, तो उसके पीछे सांप्रदायिक कारण होता है या देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला होता है, लेकिन यहां तो मामला स्त्री अधिकारों के साथ मानवाधिकारों का भी है। हाथरस की घटना में शुरू से पुलिस और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस संवेदनशीलता के साथ उन्हें एक जघन्य अपराध की पीड़िता और उसके परिवारजनों का साथ देना चाहिए था, उसके उलट उन पर सत्ता का रौब दिखाया जा रहा है। उस पर सितम की इंतहा ये कि उस परिवार से हर किसी को इस तरह से दूर रखा जा रहा है मानो के मिल लेने से कोई बड़ा राज खुल जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, आज ही उन्होंने ट्वीट भी किया है, और दूसरी ओर पीड़ित परिवार से मिलने जा रही कुछ महिलाओं से अभद्रता की खबरें भी आ रही हैं। सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर जो है वो राज्य के हित में बिल्कुल नहीं है आदित्य। सरकार को ये एहसास होना चाहिए कि ये सत्ता हमेशा के लिए नहीं है, उन्हें फिर से जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगना है, और जनता वोट देने से पहले जब महिलाओं की सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े हुए सवाल पूछेगी तो सरकार के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। यूपी में अनुसूचित जाति की युवती के साथ जो हुआ उसे लेकर देश में गुस्सा भड़क रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के प्रमुख का कार्यकाल 4 महीने पहले ही समाप्त हो चुका है और 4 महीने से यह पद खाली ही पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ हुई घटना से देश भर में गुस्सा है। देश की जनता उस गुड़िया से हुए अन्याय पर सरकार से जवाब मांग रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। विपक्षी पार्टियां भी अनुसूचित जाति के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। इस बीच एक खबर सामने आई, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि मोदी सरकार में न्याय आखिर कैसे मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने अब तक SC ST वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी NCSK में महीनों से पड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं, जबकि NCSC प्रमुख का कार्यकाल 4 महीने पहले यानी मई में ही खत्म हो गया था।
पिछले 4 महीनों में एनसीएससी के प्रमुख पद पर नियुक्ति ही नहीं हुई है। जहां एनसीएससी के प्रमुख पद पिछले 4 महीने से खाली हैं, वहीं एनसीएसटी और एनसीएसके में उच्च पद पर इससे लंबे समय से खाली हैं। जानकारी के मुताबिक इन संवैधानिक संस्थाओं के नए प्रमुखों पर विचार के लिए अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि सरकार एससीएसटी पैनल पर फैसला नहीं कर पाई है तो आखिर कैसे न्याय मिलेगा बेटियों को। सरकार को कमजोर वर्ग के लोगों की चिंता नहीं दिख रही है। विपक्ष सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष की ये कोशिश हर मुद्दे पर दिख रही है। और ऐसा ही मामला अन्नदाताओं का है, जिनके अधिकारों को लेकर देश भर में आवाज उठाई जा रही है। आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मोदी सरकार अक्सर ऐसे फैसले लेती है जिससे जनता का आक्रोश भड़कता है। अब केंद्र ने किसानों के लिए 3 बिल पारित किए जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। सरकार कहती है कि ये बिल अन्नदाताओं की राह को आसान बनाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मगर पीएम मोदी सुनते कहाँ हैं? यही वजह है कि सड़क से लेकर संसद तक विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने भी किसानों की आवाज भरना शुरू कर दिया है। आज गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर किसानों की मांग को सही ठहराया है। सोनिया ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। साथ ही ये भी पूछा कि किसानों की रक्षा कौन करेगा, क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है? सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, आज किसानों मजदूरों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। लेकिन आज देश के किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि महामारी के दौरान हमने एक सरकार से मांग की थी कि हर जरूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए, क्या यह किसानों के बिना संभव था? आज पीएम किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। किसानों के लिए जो कानून बनाए गए उनमें किसानों से सलाह नहीं ली गई। अन्नदाताओं के हक की आवाज के लिए न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी भी हल्ला बोलने वाले हैं। वो हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में ट्रैक्टर से रैली निकालने वाले हैं। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, इसलिए देश भर में किसानों के हल को हाथ सहारा बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या किसानों का साथ कांग्रेस की नैया पार लगा पाता है या नहीं। कृषि बिल को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सवाल तो बिहार महागठबंधन को लेकर भी उठ रहे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन टूट सकता है, लेकिन अब इन सारे कयासों पर विराम लग गया है क्योंकि भाकपा माले की आरजेडी से नाराजगी दूर हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों बड़े गठबंधनों में रूठने मनाने का खेल जारी है। महागठबंधन में परेशानी ज्यादा दिख रही थी, लेकिन अब महागठबंधन राहत महसूस कर रहा है। कांग्रेस के साथ तो बात बनती दिख ही रही है। CPI ML ने RJD से नाराजगी भी दूर हो गई है और कल तक महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करने वाली CPI ML ने अब महागठबंधन को मजबूत बनाने की बात कहती है। CPI ML को मनाने का जिम्मा इस बार पूर्व CM राबड़ी देवी ने उठाया। देर रात उनके आवास पर बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव और CPI ML के प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए। बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई। ML ने एक बार फिर 20 सीटों की मांग की, लेकिन RJD के साथ 15 सीटों पर सहमति बन गई। इसके साथ ही ये भी सहमति बनी कि जहां पर माले का जनाधार है वहां कौन सा कैंडिडेट लड़ने वाला है, कैंडिडेट की जीत की संभावनाएं कितनी है, ये सब जानने के बाद जब सीट चिन्हित हो जाएगी तो माले का कोटा भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे RJD ने CPI ML का कोटा तो बढ़ा दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी 140 सीटों से ज्यादा सीटें RJD के लिए चाहते हैं। माले का कोटा बढ़ाया गया तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से एक सीट कम कर दी। अब नए फॉर्मूले के अनुसार माले को 15, CPI और CPM को 10, VIP को 6, JMM को 2 और सपा को 2 सीटें दी जा सकती हैं। बिहार में चुनाव का ऐलान होने के बाद भी गठबंधनों की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा चुनाव जीतने की संभावना उसी की ज्यादा होगी, जिसके लिए सभी दल चिंतित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के सिंधिया समर्थक मंत्रियों को चिंता नहीं है। वो तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव हारे या जीते उनका मंत्री पद बना रहेगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए सिंधिया समर्थक मंत्री इमरती देवी की भविष्यवाणी। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद 6 महीने तक मंत्री तो रहा जा सकता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मंत्री रहा जा सकता है, वो भी मध्य प्रदेश में जहां विधान परिषद का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा ये तो इमरती देवी ही जाने। या हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ऐसी कोई युक्ति हो कि उनके समर्थक बिना विधायक रहे मंत्री भी बने रहे। हमेशा अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली इमरती देवी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। एससी में मैंने जन्म लिया है, हरदन में मैंने जन्म लिया है, लेकिन इमरती देवी का दिल बहुत बड़ा है। आप जब भी चाहो अजमा लेना, इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों बन के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए
इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती, इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। इमरती देवी का दिल बहुत बड़ा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए तलवार और ढाल लेकर खड़ी रहती है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बाद यदि विधायकी ही चली जाएगी तो मंत्री पद इमरती देवी को मिल जाए, इतना बड़ा दिल शायद शिवराज सिंह का ना हो। बहरहाल इमरती देवी चुनाव जीतेंगी तो उनका मंत्री बनना तय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए उन्हीं के मंत्री परेशानी का सबब बने हुए हैं। परेशानी तो महाराष्ट्र सरकार को भी अपने सहयोगियों से हो रही है। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से किसी ना किसी बात को लेकर सरकार के सामने मुश्किल आ ही जाती है। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के ट्वीट ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, क्या महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एनसीपी उद्धव के राज में खुश नहीं है? ये सवाल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के उस ट्वीट के बाद उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा है। उनके इस ट्वीट से खुद पिता अजीत पवार ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि पार्थ ने क्या ट्वीट किया ये देखते रहना ही काम नहीं है मेरे पास। पूरे महाराष्ट्र राज्य की अनेक जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर हैं। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर पार्थ पवार ने राज्य सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। बीड जिले के एक मराठा युवक को लेकर ट्वीट करते हुए पार्थ पवार ने कहा था, मैं विवेक रहाड़े के जाने से दुखी हूं। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने से पहले मराठा नेताओं को जगाना होगा। इस संकट को हल करने के लिए राज्य सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। अपने अगले ट्वीट में पार्थ पवार ने कहा था कि विवेक ने हमारे मन में जो ज्वाला प्रज्वलित की है वो पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकती है। एक पूरी पीढ़ी भविष्य दांव पर है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अदालत के समक्ष लंबित मराठा आरक्षण मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करूंगा। पार्थ पवार के इस ट्वीट को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया था। इस पर पार्थ के पिता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि हर कोई ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन सांसद सुप्रिया सुले ने मराठा आरक्षण के बारे में पहले ही भूमिका स्पष्ट की हुई है। वही भूमिका एनसीपी की है कि समाज के प्रत्येक घटक को उनका हक आरक्षण मिलना चाहिए। अब एनसीपी का आरक्षण राग न सिर्फ सीएम उद्धव के लिए परेशानी का सबब बन सकता है बल्कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को खतरे में डाल सकता है। अब देखना होगा कि पवार कैसे इन परेशानी को दूर करते हैं। बीजेपी की निगाहें महाराष्ट्र सरकार पर हैं। पार्टी कोशिश तो कर रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को हटाकर वो सत्ता हासिल कर ले, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। वैसे ही कोशिशें पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कर रही है। इसके लिए पार्टी ने हिंदुत्व की राह को चुना है, लेकिन ये रणनीति बीजेपी पर उल्टा भारी पड़ सकती है। तो कैसे हिंदुत्व की रणनीति से हो सकती है बीजेपी की हार, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इतिहास गवाह है, जब जब बीजेपी चुनावी मैदान में आई है तब तब उसे हिंदुत्व की याद आई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की रणनीति पर काम करती आई है। अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी एजेंडे पर काम करने वाली है। सूबे में चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दुर्गा पूजा से बिगुल फूंकेगी। अमित शाह पिछले साल की तरह इस साल भी बंगाल में दुर्गा पूजा के कई कार्यक्रमों में शरीक होकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। पार्टी का मानना है कि अमित शाह बंगाल में दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ेगा, साथ ही सही समय पर चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। पार्टी नेताओं ने बताया कि नवंबर से बीजेपी पूरे बंगाल में आंदोलन करेगी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मनमानी का पर्दाफाश करेगी। इस आंदोलन में न सिर्फ प्रदेश के नेता रहेंगे बल्कि समय समय पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अलग अलग जिलों में रहा करेंगे। बीजेपी ममता सरकार को जवाब देने के लिए दुर्गा पूजा को भुना रही है क्योंकि सीएम ममता पहले ही हिंदुत्व कार्ड खेल चुकी है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि पंडितों को 1000 और घर दिया जाएगा। ममता के इसी ऐलान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, इसीलिए उसने दुर्गा को हथियार बनाया है। लेकिन पार्टी की ये रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है क्योंकि दिल्ली और झारखंड में पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे को ही बुनाया था लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। दोनों राज्यों में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में भी यही राग अलापेगी तो उसे खामियाजा उठाना पड़ सकता है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिंदुत्व से किसकी लगेगी नैया पार और किसकी होगी हार।
और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में नए दलों की एंट्री की। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियां बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं कई दल ऐसे हैं जो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि कौन से हैं वो नए राजनीतिक दल जो उतर रहे हैं बिहार की राजनीति में। जब जब चुनाव आते हैं तो कई नए दल भी सियासत में हाथ आजमाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है फिलहाल बिहार में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कई नई राजनीतिक पार्टियों ने अकेले के दम पर राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बिहार चुनाव में इस बार 79 नए राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बता दें कि इस साल जून से सितंबर तक ये पार्टियां अस्तित्व में आई हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जून माह में 18, जुलाई में 17, अगस्त में 13, सितंबर में 39 नई पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। चुनाव आयोग ने इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी बांट दिए हैं। नई पार्टियों में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्या, जागरूक जनता पार्टी, जागो हिंदुस्तान पार्टी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, टीपू सुल्तान पार्टी, असली देशी पार्टी समेत कई नई पार्टियां भी शामिल हैं। इन 79 राजनीतिक पार्टियों में संयुक्त विकास पार्टी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। वहीं बाकी की राजनीतिक पार्टियां भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को नई पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 256 एप्लीकेशन मिले थे। इसके पहले 2010 में विधानसभा चुनाव में भी 90 पार्टियां बिहार की समर में उतारी गई थी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।